सबको देख लूंगा, कैसे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम इसकी चिंता मत करो। इसको ऐसे दबाना है। सारे के सारे एक साथ आ जाओ।
क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? तो चलो जो भी आ रहा है उसे देख ले। लेकिन यार हमारे पास उतना समय भी तो नहीं बचा है। हमने सोचा था कि तुम्हारे अंदर भी मर्दों वाली बात होगी, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए तो खुद ही मर्द चाहिए। क्या कर रहे हो? हम लगभग पहुंच गए हैं, तुम ये कर सकती हो। अरे ये तुमने क्या कर दिया? हाँ तो तू वहाँ छुप के क्या कर रहा था? सुबह सुबह यहाँ बैठ के आदमी का भजिया तलेगा। मुझे क्या पता कि तू भजिया तल रहा था या फिर मुझ पर हमला करने की सोच रहा था। मुझ पर हमला करके देख, शायद मुझे मार पाए तो तू सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने कहा हमको मारने का प्लान बनाया है? ये कोई दोस्ती दुश्मनी सिनेमा चल रही है का? अजीब बात है, पता नहीं हमको क्या समझते हैं। तू तो खुद अपनी जान बचा के भागाया और यमाता को पीछे छोड़ दिया। अब तो मुझे फटाफट बता दे कौन अजीब है। काका, मैं तो खुद अपना हथियार यमाता को देकर आया था। तू इस सड़ी सी चीज को हथियार कहता है? तो ले फिर इसे अपने पास रख। पता है इसको बनाने में कितना टाइम लगा? तो तुमने बस इस सड़ी सी चीज को बनाने के लिए अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार दिए? तुमको क्या पता कि मेरे पास कितने हथियार हैं? हाँ हो सकते हैं, पर उनमें से कोई सही समय पर काम आने वाला है क्या? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझो, तुम्हें कोई भी आराम से हरा सकता है। चलो मान लेते हैं, पर मुझे यकीन है कि उनमें से तुम नहीं है। ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे मेरे इस महान आविष्कार को। इन दो बेवकूफों के बीच में मैं चला कहां से फंस गया? काहे मारा मुझको? हे, तुमने देखा क्या आसमान में वो गोला? हाँ, लॉर्ड ओडा की निशानी को का नीचा। नहीं, वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती। ओह, तो फिर वो का है? कोई बिजली है या ड्रैगन या शायद टॉर्नेडो है? वो शायद हमारे गांव के पीछे ही गिरा है, हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। ओए, 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 अरे रुक, अरे अरे मेरा हथियार, और रुकना बस। It's DW Presents. अरे धीरे कहाँ चल रहे हो? तेज चलो ना। देख लो कौन आया है, फिर से स्वागत है। मास्टर वहां बैठ के आपका इंतजार कर रहे थे। इसलिए तुम ही सोचो अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। मुंह बंद कर अपना। अधिकारी, मैं से बात कर रहा हूँ, आ जाते बीच में कहां से। अच्छा तुम्हें क्या लगता है हमारा क्या होने वाला है? तुम हमेशा यूं ही फालतू के लफड़े। किसको पता था कि गली में निशान बनाते बनाते मुझे एक दिन इंडिया के लिए निशान छोड़ने का मौका मिलेगा। ड्रीम बिग, ड्रीम इलेवन, मेक योर टीम नाउ।
इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। करते रहते हो और हमेशा अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, है ना? क्या बोला? जो कल हुआ था वही होगा। तुम्हें वहाँ पर क्या करने के लिए भेजा गया था और तुमने वहाँ जाकर क्या किया, तुम ये बताओ। शायद यही वजह है कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। निंजा को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, तुम ये बताओ। बुरे हालात से बचना और सही समय मिलते ही अपने आप को वहाँ से निकालना। सुना क्या? सुना क्या तुम लोगों ने? सुना क्या? नहीं जानते, पर कैसे हो, समझ में आया? तुम दोनों असली निंजा हो ही नहीं, भारी हो। मुझसे गलती हो गई है तो मुझे पहले से पता रखना चाहिए था। इसका मतलब है तुम्हारा काम यहाँ नहीं। चलो बच्चों, तुम भी मेरे साथ बोलो, बोलो भाग जाओ। यमादा, फालतू में लफड़ा मत करो यहाँ। इस बेवकूफ आदमी के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई काम हो तो अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। लेकिन ये कैसे समझ सकते हो कि हम असली निंजा नहीं है? वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। अच्छी बात है। तुम उन लड़कों जैसे नहीं दिखते जो गांव में लड़कों को छेड़ा करते हैं। Give me a break. मुझे पता है कि तू थोड़ा क्यूट जैसा है, ठीक है? चलो मास्टर के पास। खड़े खड़े क्या देख लो, चलो। इस आदमी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। मुझे लगता है ये आदमी तुमसे चलता है। कितनी बार इसको समझाया है पर ये मानता ही नहीं है। बताओ, सैनिक अब ओडा सेना में भर्ती हो गए हैं। वो लोग निंजा ही थे जो वहाँ किले की पूरी सुरक्षा कर रहे थे, पर तुम लोग उन्हें हरा सकते थे। हाँ, सही कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अरे ये दोनों तो क्या, मैं अकेला ही काफी था। तो क्या तुमने नजूमी को देखा? नहीं नहीं, एकदम नहीं। मैं तो यमादा को पीछे छोड़ के आगे निकल आया था। तुमने बहुत अच्छा तरीका निकाला है अपने आप को बचाने का। वो क्या है कि नए लोगों को पूरा क्रेडिट दे दिया, इसलिए मैं तुम लोगों को एक काम सौंपना चाहता हूँ। क्या तुम लोग कर पाओगे? एक आग का गोला गांव के नजदीक आकर गिरा है। हम लोगों ने उसे आते समय रास्ते में देखा था। सारे निंजा अपने ग्रुप के साथ निकल चुके हैं। मुझे पता है तुम लोग अभी तुरंत लौटे हो, तुम लोग थक भी गए होगे। तुम लोग जाओ और जाके अच्छे से छानबीन करो कि कहीं वो ओडा आर्मी का हथियार तो नहीं। लगता तो है पर पक्के तौर पर नहीं कह सकता। अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आओ, यहाँ पर। हाँ, लगता है कि और लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे मास्टर की बातों से तो यही लग रहा है। हामिगा निंजा का सारा काम उसी युद्ध गुरु के ऊपर निर्भर करता है जिसके साथ हम लोग होते हैं। दोस्तों रुक जाओ, और रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, हमें उसी उसी के साथ होना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके, या तो ओडा या टोकुगावा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, पर मैं भी तो निंजा ही हूँ ना।
मैं तुम लोगों को बड़ी दूर से भी सुन लेता हूँ। हाँ तो तुझमें ये भी क्वालिटी है? मुझे लगा था कि तू सिर्फ अच्छे से पेशाब कर सकता है। हम निंजा अंधेरे में ही काम करते हैं और मुझे तो लगता है कि सारा जीवन ऐसे ही कटेगा। पर तुम उजाले में आते हो और अपनी जान खतरे में डालते हो, पर मुझे इससे क्या? तू मूली खा के अपनी लंबी लंबी छोड़ना बंद कर डरपोक। मैं कल ही जल्द से जल्द अपने आदमियों को कोई बड़ा कदम उठाने को कहता हूँ। ओ एक मिनट रुको, मैं तुमको एक चीज सिखाता हूँ। कहाँ चला गया? अरे निकाल, कहाँ फंस गया? अरे जल्दी निकलना, खाए हमारी बेइज्जती करवा रहा है। हाँ निकाल। अरे ये तो वही है तेरा पुराना हथियार। अपने सारे पुराने हथियार छोड़ दो, विदेशियों से नए हथियार मंगाने होंगे। ये देखो पकड़ो, पर ये मेरा है। अब देखो कहाँ गया ये? ये है मेरा जादू का डंडा। खंजर है क्या? खंजर। अब देखो कमाल, इसको ऐसा करो, ऐसा करो। इसके बाद ये डंडा ऐसा खतरनाक हथियार बन जाएगा ना कि इससे पूरी की पूरी टीम का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे मेरे हथियार का कमाल देखोगे? जरा मुझे दिखाओ। ओए अरे क्या कर रहा है? अरे वापस कर, वापस। ठीक है अपने पास रख लो। वैसे मेरे पास एक और हथियार है, लाओ। नहीं नहीं है, लाओ। मैं तो हमेशा से बंदूक ही चलाना चाहता हूँ। मजाक मत करो, हथियार वापस करो, वापस। जल्दी करो, छोड़ दे, छोड़ो ना। हमने तुमसे मना कर दिया ना, फिर भी तुमने ये क्या कर दिया? मरवा दिया हमें। हमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अब देखो हम कहाँ जाए। मैंने कुछ नहीं किया, भागो यहाँ से। अबे रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। तुमको दर्द नहीं होता क्या? तो तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ और तुम भी। तुमने वो आग का गोला देखा? हाँ आते समय रास्ते में देखा था। वो किस तरफ गिरा है? वो उधर वहाँ पे 20 किलोमीटर दूर, ध्यान से देखो। रुको रुको रुको, वहाँ पर पहले तुम लोग जाओ। हाँ इतने हद तक बेवकूफ मत बनो। काहे, आखिर हम भी तो उनके पीछे ही जा रहे हैं ना, थोड़ा आगे या पीछे का फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम पीछे रहो डरपोक इंसान। अरे मजा जाएगा, वो हसीना हम लोगों को गाइड करेगी भाई। हसीना ने चाटा हमको क्यों पाटा? अभी तो ये शुरुआत है। Hmm?
अकेले छोड़ देना बुरी बात है। तो मैं क्या करूँ? अच्छा ये बताओ तुम्हारा मिशन कैसा रहा? बहुत ही बोरिंग था। वैसे तुम्हें अच्छा क्या क्या लगता है? तलवारबाजी। शर्त लगाते हो क्या? वो एक्चुअली मैं कमरे में लगाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद किसी जानवर के पंजे होंगे। वही होगा, हमारा कोई दुश्मन हमारे लिए ऐसी निशानी थोड़ी ना छोड़ेगा। हाँ इतना भी समझ में नहीं आता। कौन हो तुम? वो ऐसे नहीं बोलने वाला। बोलो वरना तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात जरा रुको, उसकी हालत तो देखो जरा, कितना घबराया हुआ है। मुझे उससे बात करने दो। भूख लगी है क्या? अरे जल्दी दो। खाओगे? कौन हो तुम? अकेले हो? तुम कहाँ से आए हो? SDW presents. Ah!
चलो भागो यहाँ से। नहीं तुम ठीक तो हो? यमाता जल्दी चलो यहाँ से निकलते। मैं यहीं रुकता हूँ। भूल जाओ हम नहीं लड़ सकते, वो बहुत तेज है। चलो जाओ यहाँ से, मरोगे तुम। उसने हमारे साथी को मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यमाता चलो। यमाता उसी का हिस्सा था। और भी है क्या वहां? जो भी है वो हमारे गांव में पिछली रात देखी गई थी। कुत्ता था कि भेड़िया? उसको किसने भेजा था? उड़ा आर्मी ने भेजा था का? या कोई भूत था? मैं अपनी जिंदगी में कई जगहों पर गया लेकिन ऐसा राक्षस मैंने नहीं देखा। वो कहीं विदेश से तो नहीं आया? और उसके पास तो शायद फायर आर्म्स भी हैं। बहुत मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है और मैं भूत के हाथ से मर जाऊं? मुझे ऐसी मौत बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ, भागने से अब कोई फायदा नहीं है, हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना ही होगा। हमने तो पहले ही कहा था यहाँ पे खतरा है, इसके बाद भी हमको यहाँ मरवाने के लिए लिया है। पागल कुत्ते ने काटा था, निंजा सीखने चले आ। अरे भगवान, हमरा नाम पे काहे ऐसी मौत लिख दी है? क्या करे? कुछ करना होगा। यमाता क्या हुआ? अबे तू बता, ये तो क्या है? बता, तुमने वो चीज देखी? अरे जोर से बोल, तुम लोग उसे मार डालो। उसने हमारे गांव में सबको मार डाला। कैसे? Yes!
DW और तुम वहाँ से भाग आए हो। आखिर वो चाहता क्या है? हमारी जान लेना चाहता है, और क्या चाहता होगा। इंसान से मुकाबला हो सकता है, कोनो राक्षस से नहीं। वो एक राक्षस है। और वो हम सभी लोगों को जान से मार डालना चाहता है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? और उन्होंने हमारे साथियों को मार डाला। उन लोगों को हम मार डालेंगे, उनसे कभी नहीं डरेंगे। उनको मारने के लिए कोई अलग तरीका ढूंढना होगा, तो चलो जल्दी से काम पे लग जाओ। इस बार उन सालों को हम छोड़ेंगे नहीं। जागते रहो, समझ गए तुम? ये इसने क्या कर दिया? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेकार चका दिया हमको। मन में भी वहां बैठ गया। सामने
बात किया तू? अरे नीचे रुक जाओ। आने दो उसे। निकल लो, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हाँ अरे तू ही समझा रहा, चल भाग। Thank you.
हीरो देव देव हीरो ने करो जानती हूँ पर क्या कर सकते हैं लड़ना तो है ना आखिर तक हमें क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे ये किस चीज का बना है और इतना लिजलिजा का है चाइनीज नूडल से बना है का जो भी है वो सब कुछ तुम्हारे सामने मौजूद है फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे जानवर हम पहले पहले कभी नहीं देखे हैं कितनी आसानी से बोल दिया कि समझ में नहीं आ रहा है जब सब लोग लड़ रहे थे तब तू आराम फरमा रहा था बता दो आराम कर रहा था लेकिन गुनाह तो नहीं कर रहा था आसमान में कुछ उड़ रहा था तुमको याद है ना तुमने देखा था उसके बाद ही ये सब हो रहा है क्या बोला हम एक काम करते हैं इनमें से एक को पकड़ लेते हैं वो हमारे सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा क्या कहती हो मास्टर इससे खुश होगा ना और वो हमको इनाम भी देंगे है ना बकवास बंद करो अच्छा सुनो मेरी बात मानो तुम हमारे नेता का ही नहीं बजाते इसके बाद हम लोग चुपचाप यहाँ से भाग चलेंगे तुम मेरी बात समझते काहे नहीं वो हम पे बेकार में हुकुम चलाती रहती है ये क्या बोल रहे हो तुम देखो हमें इस राक्षस से लड़ना ही होगा फिर चाहे हमें कुछ भी हो जाए फालतू की बातें मत करो उनका कोई आदमी है क्या मुझसे लड़ लेंगे वो तुम्हारी अतड़ियों को फ्राई करके खा जाएगा अभी भी कहता हूँ निकल चलो मत रुको यहाँ हम नहीं जाएंगे तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या कहा तूने अरे अरे क्या कर रही हो छोड़ो अरे छोड़ो हमको इसने मुझे बचाया जब मुझ पर हमला हुआ था इसने मुझे बचाया फिर तुमने भी इसे बचाया और बदले में क्या दिया नहीं मैंने कुछ नहीं दिया मैं डर गया था मुझे माफ कर दो पर मैं उन्हें मारना चाहता हूं किसी भी कीमत पर मैं उन्हें मार देना चाहता हूं उन्होंने मेरे परिवार को मारा मेरे पूरे गांव को मार डाला मैं उन लोगों को मारने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं किसी भी कीमत पर उनको मारना चाहता हूं तुम मेरी मदद करो अब हट बकवास करता है हम इसकी 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 खातिर अपनी जान
काहे मुसीबत में डाले, हम इसकी मदद वदद नहीं करेंगे। इसकी मदद करनी चाहिए। कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, पर इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। कोई अपने से कमजोर आदमी रिक्वेस्ट करे तो उसकी मदद करनी ही पड़ती है। तो ठीक है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मदद तो करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। मैं आता हूँ। किसको पता था कि गली में निशान बनाते बनाते मुझे एक दिन इंडिया के लिए निशान छोड़ने का मौका मिलेगा। ड्रीम बिग, ड्रीम इलेवन, मेक योर टीम नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ये कहां गया? भाग गया। पर हम अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे, कभी भी नहीं भागेंगे। चलो चलते हैं, जिन्नाई को तो खोजना ही होगा। चलो तुम भी साथ में चलो, जिन्नाई को खोजने में तुम भी हमारी मदद करोगे। जिन्नाई को राक्षस पकड़ कर ले गया है। हो सकता है शायद ताजे मांस के लिए ले गया होगा। लगता है शायद तुम सच कह रहे हो। या माता। क्या हुआ? मुझे ये सब और नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना? हमें भी किसी दिन अपने पिता का नाम रोशन करना है। बोलो क्या बोलते हो तुम? मुझे जिन्नाई किसी भी हाल में जिंदा चाहिए, पर क्या करे, निंजा और मौत का भी पुराना रिश्ता है ना, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हम तलवार की धार पर रहते हैं, अगर जिसको यह पसंद नहीं है उसे किसान या फिर कुछ और बन जाना चाहिए। अगर तुम्हें भी पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो, रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। तुम योद्धा हो, तुम्हें तो यह पता होना चाहिए। दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मैंने अपने पिता का सपना साकार किया और मैं एक निंजा बन गई। तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, पसंद नहीं है। दरअसल मेरे सपने कुछ और थे, लेकिन पिताजी मुझे निंजा ही बनाना चाहते थे, और क्या करती। मेरे पिताजी एक किसान थे और वो मेरी माँ से लड़ते हुए मारे गए, और मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा। हमें जिंदा रहने के लिए लड़ना ही होगा। अब मैं और नहीं रुक सकता, मैं अपने साथियों के लिए जरूर लड़ूंगा। अगर तुम दोनों को मेरा साथ देना है तो दे सकते हो। क्यों? वहां देखो,
लगता है किसी ने इनको मारा है। तुम्हें क्या लगता है? ये तो बहुत खतरनाक नजारा है। किसी इंसान का खून लगता है। ये सारी करतूत उन राक्षसों की होगी। यहां से चले। बच गया। सब कुछ बर्बाद कर दिया। It's DW Presents. अरे मर गया ना। वहां देखो, ये सब क्या है? क्या हुआ तुम्हें? उसको बचा लो। ऐसे क्यों कर रहे हो? उसको बचा लो। क्या हुआ तुम्हें? वो हम सबको मार डालेगा। कहाँ है वो सब? यही तो था, वो ऊपर था। मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा वो। बचा लो, बचा लो। तुमने कुछ देखा क्या? ये सब ऐसे क्यों खड़े हैं? ये सब इस राक्षस की चाल है। बिल्कुल सही। पर अब हमें इन लोगों का डट कर बहादुरी से सामना करना होगा। तुम जाकर छुप जाओ।
हुआ तुम्हें? ये सारे के सारे लोग उस राक्षस के वश में हैं। अब क्या करें? लड़ाई करेंगे और क्या कर सकते हैं? तुम लोग चले जाओ यहां से। It's DW Presents। मैं कहता हूं चले जाओ। सलामती चाहते हो तो तुम लोग यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। सारे लोग रुक गए। इन लोगों के मुंह में कुछ है। Oh!
जिन्नई आंखें खोल, जिन्नई आंखें खोलो। या माता, किसको पता था कि गली में निशान बनाते बनाते मुझे एक दिन इंडिया के लिए निशान छोड़ने का मौका मिलेगा। ड्रीम बिग, ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ジーナイ 頼んだぞ。
अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अब कैसे हो? पहले से तो मैं ठीक हूं, अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। तुम्हारे गले तक पहुंचने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। Hey. चलो चलते हैं। Hey, छोटू, तू वहां क्यों रुक गया? चलो हम चलते हैं। अलविदा। हाँ आता हूँ।